23 जून को पटना में नीतीश कुमार के नेतृत्व में विपक्षी दलों की बैठक होनी है। 2024 में जो लोकसभा चुनाव होना है उसको लेकर ये बैठक बुलाई गई है, लेकिन बैठक से पहले पोस्टर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। इस वक्त हम पटना में इनकम टैक्स गोलंबर पे हैं। यहाँ पे आम आदमी पार्टी के तरफ से एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें लिखा है, देश के लाल अरविंद केजरीवाल का बिहार की क्रांतिकारी धरती पर स्वागत एवं अभिनंदन। आम आदमी पार्टी के बिहार के प्रभारी हैं आरएन सिंह, उनके तरफ से जो है ये पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर में पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, उनकी तस्वीर है, आप सांसद संजय सिंह की भी तस्वीर है। मतलब बैठक से पहले अरविंद केजरीवाल को पीएम के तौर पे प्रोजेक्ट करने की कोशिश की गई है। दिल्ली से लेकर पंजाब में भी जो है आम आदमी पार्टी की सरकार है, और ये जो पोस्टर लगाया गया है इस पर बीजेपी भी जो है खूब चुटकी ले रही है कि विपक्षी दल में जितने भी दल हैं उसमें एक पीएम उम्मीदवार जरूर है। तो देखिए पोस्टर हम आपको दिखा रहे हैं, कैमरा पर्सन शैलेश आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये जो बैठक होनी है उसमें 2024 के लोकसभा चुनाव की स्ट्रेटजी पे चर्चा होनी है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत चुनाव लड़ा जाए इस पर बातचीत होगी। करीब 500 सीटों पर क्या बीजेपी के खिलाफ विपक्ष जो है साझा उम्मीदवार दे, इस पर बातचीत होनी है। ज़्यादातर जो दल हैं वो ये चाहते हैं कि किसी को भी पीएम कैंडिडेट घोषित नहीं किया जाए, विपक्ष का चुनाव के बाद जो रिजल्ट होंगे उस हिसाब से चेहरा तय किया जाए। लेकिन इन सब के बीच केजरीवाल को लेकर पोस्टर लगाया गया है और उसमें उनको देश का लाल बताते हुए पीएम के तौर पर आम आदमी पार्टी ने प्रोजेक्ट किया है। कैमरा पर्सन शैलेश के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़ पटना।